और बात करेंगे कुछ और खबरों की। गंगापुर सिटी में अंकित हत्याकांड को लेकर सियासत गरमाने लगी है। पीड़ित परिवार मुआवजा और परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने की मांग को लेकर अड़ा हुआ है। पीड़ित परिवार से मिलने के लिए कैबिनेट मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा भी धरना स्थल पर पहुंचे। उनके साथ बीजेपी के जिला अध्यक्ष सुशील दीक्षित और दीपक सिंघल की भी मौजूदगी रही है। शुक्रवार रात को शराब पिलाकर एक युवक की गला रेतने के बाद पत्थर से सिर कुचलकर नृशंस हत्या की गई। जयपुर बाईपास पर एक निजी अस्पताल के सामने खाली प्लॉट में 29 साल के युवक का शव मिला। घटना की जांच में जुटी पुलिस ने घटनास्थल से सुआ, चाकू, लोहे का एंगल, युवक की बाइक भी बरामद कर ली है। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए सीसीटीवी के आधार पर 3 संदिग्ध लोगों को डिटेन किया है। जानकारी ये कि आपसी विवाद के चलते हत्या को अंजाम दिया गया। पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है। धरने पर बैठे परिजनों की मांग है कि आरोपियों को फांसी की सजा दी जाए, परिवार को 50 लाख रुपये मुआवजा, पत्नी को सरकारी नौकरी, परिवार को सुरक्षा और केस की सुनवाई फास्ट ट्रैक अदालत में कराई जाए। और सहयोगी अजय भारद्वाज इस वक्त ज्यादा अपडेट के साथ मेरे साथ मौजूद हैं। अजय, पहले अपडेट बताइए, इस मामले को लेकर क्या मिल रही है? देखिए मणि, मैं आपको बताना चाहूंगा, इस वक्त मैं कलेक्ट्रेट परिसर पर मौजूद हूं और यहां परसों का ये हत्याकांड है, परसों का ये घटनाक्रम है। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए इसमें और जो आरोपी है उनको गिरफ्तार भी कर लिया। उसके बाद परिजनों की ये थी कि कोई जनप्रतिनिधि आ जाए तो हम उसको ज्ञापन दें और अपनी मांग उसके सामने रखें। यहाँ के जो स्थानीय विधायक है रामकेश मीणा, वो यहाँ पहुंचे थे, लेकिन आउट सिलेबस को यहाँ बात करने लग गए तो थोड़ा बहुत उनका विरोध भी यहाँ पर हुआ था। उसके बाद सारी रात परिजनों ने धरना प्रदर्शन यहाँ पर किया है, यहाँ पर बैठे रहे महिलाओं के साथ में और हजारों की संख्या में जो समाज के लोग थे वो यहाँ डटे रहे। कल शाम को 6 बजे, देखिए दिन भर ये सिलसिला चलता रहा, घटनाक्रम चलता रहा, प्रशासन यहाँ मौजूद रहा, एडीएम साहब ने को ज्ञापन दिया गया, एडीएम साहब ने हर चीज का इनको आश्वासन दिया है कि एक अच्छी रिपोर्ट बना करके सरकार को भिजवाई जाएगी ताकि महिला को नौकरी भी मिल सके और पीड़ित परिवार को जो भी कंसल्टेशन मिल सकता है वो दिया जाए। लेकिन इसके बाद फिर वही स्थिति आई और शाम को 6 बजे यहां पहुंचे कैबिनेट मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा। किरोड़ीलाल मीणा ने प्रशासन से बातचीत की, यहाँ के जो पंच पटेल है उनको साथ लेकर के गए, 13-14 आदमियों ने बैठ करके बातचीत की है, मांग पत्र जो है वो प्रशासन के सामने रखा है। भीड़, हजारों लोगों की भीड़ यहाँ मौजूद थी और रास्ता इन्होंने जाम कर दिया था मिनी कलेक्ट्रेट के सामने। लेकिन वही बात है कि सिर्फ आश्वासन देकर के वो चले गए, उन्होंने कहा कि मेरी सरकार है और मैं सरकार का अंग हूं, मैं आ गया वही सरकार आ गई और आपको पूरा आश्वासन हम ये दे रहे हैं कि इसमें बेहतर से बेहतर कार्रवाई हम करेंगे और अच्छी रिपोर्ट बना करके भेजेंगे, मैं मुख्यमंत्री से खुद बात करूंगा। लेकिन इस आश्वासन पर अभी भी कहीं ना कहीं भरोसा जो परिजन है वो नहीं कर रहे हैं और उनका धरना प्रदर्शन जारी है। एक चीज मैं और आपको बताना चाहूंगा, जैसे कि यहाँ जो धरना चल रहा है उसमें आप देखिए कि यहाँ बिस्तर है, पंखे है, पानी की व्यवस्थाएं हैं, यहाँ पर महिला और पुरुष जो है ये 3 दिन से जमे हुए हैं। अभी वो लोग सीए की रस्म अदा करने के लिए गांव गए हैं, अस्थियां वहां से एकत्रित करके फिर उन अस्थियों को यहाँ लाया जाएगा धरना स्थल पर ही, और फिर यहीं पर ये बता रहे हैं कि सीए की रस्म भी यहाँ भी अदा होगी, सीए की बैठक यहाँ पर होगी, उसके बाद उस अस्थि कलश को गाँव गांव ढाणी ढाणी ले जाया जाएगा और अंकित मीणा को न्याय दो, ये एक अभियान जो है चलाया जाएगा। अभी मौजूदा स्थिति ये है कि परिजन जो है गाँव गए हैं, सीए का जो रस्म होती है वो करने, बाकी धरना यहाँ भी जारी है और इसके अलावा कलेक्ट्री के सामने भी टेंट लगा करके और समाज के जो अन्य लोग हैं वो भी धरने पर बैठे हुए हैं। रहिए मेरे साथ अजय, मैं लौटूंगी आपके पास और अपडेट क्या है इस मामले में आप लगातार बता रहे हैं, लेकिन इन सबके बीच में क्योंकि कैबिनेट मंत्री किरोड़ीलाल मीणा पीड़ित परिवार से मिलने के लिए पहुंचे, मुखातिब हुए मीडिया से, क्या उन्होंने कहा जरा वो आप सुनिए पहले। मोटरसाइकिल में आपस में टक्कर हो गई थी, एक्सीडेंट होने के बाद नटपटंगे बाजल के कारण एक मुस्लिम युवक की मौत हो गई थी। तत्कालीन गहलोत सरकार ने उनको 50 लाख रुपये संविदा पर नौकरी और एक डेयरी का फूट दिया था जयपुर में, या कोई जगह पर। तो हमारे इन आंदोलनकारी सभी लोगों की मांग ये है कि सेम का सेम पैकेज, मतलब उसका गड़ा गला रेता गया है, कन्हैया लाल की तर्ज पर ये बहुत द्रुतन मर्डर है। तो सभी जो प्रतिनिधिमंडल है उन्होंने जिला कलेक्टर एसपी के सामने बात रखी है और यही फर्स्ट कदम। तो क्या कहा किरोड़ीलाल मीणा ने वो हमने दर्शकों को सुनाया है। अजय लगातार बने हुए, एक बार फिर से आपके पास आते हुए अजय, और बताइए कि कार्रवाई कहां तक पहुंची है, क्या कार्रवाई को लेकर अपडेट मिल रहा है और हत्या की वजह क्या बताई जा रही है पुलिस की ओर से?
देखिए अभी तक जो निकल करके आया है, कल पीसी की थी सुजीत शंकर साहब ने जो पुलिस अधीक्षक है, और उन्होंने कहा ये प्रेम प्रसंग का एक मामला था कि दोनों ही किसी एक ही जो लड़की है उसी से इनका प्रेम प्रसंग चल रहा था। पहले जो आरोपी है सलमान, उसने मना भी किया था अंकित से कि आप बातचीत नहीं करेंगे, लेकिन फोन में कुछ इस तरह की चीजें मिल गई क्योंकि दोस्त थे, आपस में एक साथ उठे बैठा करते थे, तो पता चल गया। और यही एक मौत की वजह बनी थी। एसपी सुनील शंकर ने कहा कि इसकी प्लानिंग उन्होंने 3-4 दिन पहले कर ली थी और पुलिस ने इसमें जरूर तत्परता दिखाते हुए और आरोपियों को तुरंत गिरफ्तार कर लिया। अजय, आगे की जानकारी भी दर्शकों तक पहुंचाइएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम डिटेल्स इस खबर पर देने के लिए। धन्यवाद आपका।